हे गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छदाब, इवेंट शुरू हो चुकी है। और भाई, सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि एक मस्त सा पोकेमोन आया जो मुझे चाहिए था। हाँ, मुझे और कुछ एक्सपेक्ट था लेकिन कुछ आया नहीं। कोई बात नहीं यार, यार हरियामा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट नहीं लगता उन 60 इवेंट आइटम के पोकेमोन्स में, है ना? 100 इवेंट आइटम, हाँ, ये सारे स्नो वीवीली वगैरह, भाई ये सब तुम खुद से बना सकते हो, तो 100 इवेंट आइटम गलती से भी खर्च मत कर लेना। होते कुछ बिगर्स वगैरह जिनके पास होते इवेंट आइटम्स, वो लोग खर्च कर देते हैं, तो उन लोग को मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैगियरना मुझे 4 चाहिए इवॉल्व करने के लिए, तो मैं अभी उसे बाय करने वाला हूँ। भाई 4 के 4, उसके लिए 120 इवेंट आइटम्स लगेंगे, तो मेरे पास उतने हैं नहीं। भाई उसको कलेक्ट करने के लिए मैं क्या क्या नौटंकी करता हूँ कोई ठीक नहीं। भाई वर्ल्ड चैट पे पूरा एकदम स्मैश हो जाता है मेरा लिटरली, क्योंकि यार लोगों से मैं बोलता रहता हूँ भाई कोई एनर्जी दे दो, एक एनर्जी सिर्फ एक इवेंट आइटम के लिए इतना नौटंकी होता है। फर्स्ट वाला तो गलती से मुझसे क्लिक हो गया था, तो 2 मुझे यहाँ पे मिल गए थे। 116 कितना है मेरे पास, वेट मुझे देखना पड़ेगा, 15 है मेरे पास, और सिर्फ 5 इवेंट आइटम चाहिए। उसके बाद मैं 4-4 में गिरना बाई करने वाला इवेंट से, और उसे इवॉल्व भी करूँगा, बड़ा मजा आएगा। तो भाई इलाइट ना भाई पक्का धोखाबाज है, पक्का साला पैदा ही धोखाबाज हुआ था कि यहाँ आके बन गया, वो समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो अक्सर हम लोग मतलब एमरजेंसी में एलाइट पर रेड करते हैं, या फिर ऐसे भी करते तो आ ही जाता ना एक दो। मैंने टोटल 240 एनर्जी खर्च किया, घंटा नहीं कुछ आया था, पता है एक क्लिप भी यहाँ पर मैंने वो ज़्यादातर नहीं दिया वो गुस्सा के मारे। तो गेंगार वगैरह कार्ड पर मैं अभी रेड करने वाला, ठीक है, मैं बस जो भी है अभी एनर्जी उसको मैं खर्च कर रहा हूँ ऐसे कार्ड्स पे जो हमेशा इवेंट आइटम्स देते हैं, जैसे कि सीजोर, गेंगार, एग्रॉन, और एग्रॉन एंड ब्लास्टोइस का कॉम्बो, उन सब पे मैंने ट्राई किया बट कुछ नहीं मिल रहा था। भाई सही बता रहा हूँ, बहुत लग खराब है, सिर्फ 5 इवेंट आइटम्स के लिए मैं तड़प रहा था। फाइनली सौरभ ने मुझे हेल्प किया, वेट मैं तुमको दिखाता हूँ। पहले मैंने अपना सीक्रेट बेस खाली किया, ठीक है, एनर्जी का, तो आगे वो थोड़ा सा 60 है ही, देखो 60 में मैंने यहाँ पर रेड के 1 मिल गया। चलो अब 4 चाहिए, अब देखो 4 इवेंट आइटम के लिए मैं क्या क्या करता हूँ। तो सौरभ के पास मतलब सौरभ ने मेरी हेल्प की, उसने 4-4 केक बना के रखा हुआ था बेस में, ये देखो ये रहा सौरभ, उसके बेस में हूँ मैं और खा रहा हूँ सारा उसका केक वगैरह, उसके मतलब मेहनत का केक मैं खा रहा हूँ। भाई थैंक यू सो मच सौरभ, और चलो चलते हैं। तो उसके बदौलत मेरे पास 120 इवेंट सॉरी एनर्जी तो है भाई, अब सिंगल करूँगा क्योंकि मुझे सिंगल पे ज़्यादा भरोसा है भाई, वो रेड पे रेड से मतलब 60 वाले। तो 1 मुझे मिल गया, बस 3 मोर, भाई सिर्फ 3 आ जाए दिल खुश हो जाएगा। भाई आ गया, सिर्फ 1 भाई, 1 के लिए प्लीज़ मत तड़पाना यार, सिर्फ 1 के लिए यार, 60 है एनर्जी मेरे पास, बस 1 ही चाहिए मुझे। आजा सिंगल में आजा, अरे भाई ये क्या हो रहा, बस आजा, हाँ 5 टाइम और बाकी है मेरे पास यार, ये क्या। कोई बात नहीं, कुछ फ्रेंड्स है हमारे और भी बचे हुए मेरे मतलब सर्वर में, उसने मेरी हेल्प की, कैंडी, तो उसके भाई अभी बेस में मैं जाऊंगा। भाई ये वाइट डार्क राय कितना क्लासिक लुक देता है ना, देखो मुझे बहुत ऑसम लगा। मैंने अब तक R2 देखा था लेकिन ये नहीं देखा था, मैं देखने आ गया। ये वाइट वाला जो सीरीज़ है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एकदम क्लासिक लुक दे रहा है। नहीं ये फॉर्म नहीं, ये वाइट डार्क राय बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तुम लोग बताना इसका कि क्लासिक लुक कितना ऑसम है। मैं चाहूँ तो इसे भाई कर सकता हूँ मेगा इवॉल्व भी कर सकता हूँ, इतना है मैं बस साइड्स एक्सचेंज करके, लेकिन नहीं, किसी और पोकेमोन के लिए मैंने वह सब रखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास देखो कैंडी के हेल्प से, मतलब वो जो मेरा एक फ्रेंड है कैंडी, उसका नाम है भाई, वो मैं उसे कैंडी नहीं बोल रहा हूँ प्यार से, तुम लोग कुछ भी मत समझना। तो भाई देखो उसको, उसने जो एनर्जी दिया हुआ था ना उससे मुझे 1 मिल ही गया फाइनली। चलो अब करते हैं इवॉल्व हमारे मैगियरना को, कहाँ गया ये रहा। तो 4-4 मुझे निकालना है तो निकाल लेता हूँ। डूड अगर तुम लोग सोच रहे हो कि किसी पोकेमोन को तुम अगर बाय करना चाहते हो 30 इवेंट आइटम वाला पोकेमोन को, तो वो तुम 6 ही बार बाय कर सकते हो। मैं सोचता था कि हम बहुत बार हम लोग बाय कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आर्टी इवोल्यूशन करना है तो तुमको वो 220 वाला ही बाय करना पड़ेगा। मान लो कि डार्क राय वगैरह आ रहा तो ठीक ही है, 100-100 करके हो जाता है, लेकिन यार ये 30 वाला और 220 वाला इवेंट आइटम वाला पोकेमोन्स ना बहुत एक्सपेंसिव होता है। चलो ठीक है, हमारे पास 4-4 मैगियरना है, इन सबको अंदर फेंको, उसको निकालते हैं और चलो अवेकन करते हैं। अवेकन, वेट, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि यार ये बिना इवॉल्व के किस तरह लगता है। मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया मैगियरना को अपने पीछे मतलब विजिबल करके, तो चलो करते हैं अब अवेकन। और एक चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूं कि गिव अवे आने वाला है भाई, तो तुम लोग स्टे ट्यून्ड रहना। और एक गिव अवे में तुम लोग भाई, ये गिव अवे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब बहुत मज़ेदार, सबको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं कुछ नया सोच रहा हूँ जो कि तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, और हाँ, सिर्फ गिव अवे 3 ही VIP 1 का नहीं होने वाला है, और भी कुछ होने वाला है, तो सब के लिए भाई सब रेडी रहना।
मुझे एक आधा दिन का थोड़ा वक्त चाहिए होगा, इसलिए थोड़ा सा सोचने में वक्त लगे ना भाई, कैंपेन वगैरह सब सेट करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो चलो इवोल्यूशन स्टोन्स भी मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया, आई मीन टू से निकाल डाला, तो अब इवोल्यूशन देखते हैं। अब तक के मैंने जितने भी इवोल्यूशन किए हैं ठीक है ना पोकेमोन्स के, सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि ये जब आता ना तो मतलब इसका देखो हर एक फॉर्म चेंज हो जाता है, मतलब बॉडी फुल्ली चेंज, तो ये बहुत ही अच्छा लगा था। चलो और तीन लेजेंडरी पोकेमोन्स बच गए, मतलब SSR पोकेमोन्स बच गए हैं जिसे मुझे इवॉल्व करना, तो मैं जल्दी ही कर लूँगा। तो भाई बताना तुम लोगों का कितना हुआ है अब तक फैटर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, शुक्रिया, थैंक यू।